नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में यदि किसी करदाता के विरुद्ध कोई डिमांड तय की जाए और वो व्यक्ति उस डिमांड से डिसएग्री करे, तो ऐसी परिस्थिति में करदाता को सबसे पहले अपीलेट अथॉरिटी जिसके पास पहुंचना होता है वो कहलाती है सीआईटी अपील्स। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, पिछले लगभग 2 या 3 साल से, या मैं कह सकता हूं कोरोना पीरियड से, ये जो अथॉरिटी का फंक्शनरी है या जो इनका अपीलेट डिसीजन मेकिंग है वो काफी स्लो रहा है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि अब फेसलेस अपील्स चलने लगी हैं तो करदाता भी बहुत सारे फेसलेस अपील्स की प्रक्रिया से उतना रूबरू नहीं है। या मैं अपना अनुभव बोलूं तो मुझे बहुत सारे करदाता या मेरे क्लाइंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि अनुप जी, मेरी अपील लगे इतना टाइम हो गया, अभी तक उसकी हियरिंग ही नहीं हो रही, कब मेरा केस का डिसीजन आएगा और मैं अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी के प्रति जो अपील करके बैठा हूं ये सोच के कि मैं जीतूंगा, मेरे हाथ में वो निर्णय तो आए। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार बार बार मुझे नॉक कर रहा है। तो अब मैंने इस विषय पर आपके मार्गदर्शन के लिए या आपकी समझ के लिए एक टॉपिक चूज किया, फाइनली व्हेन अपीलेट हियरिंग्स विल कमेंस, कि अपीलेट हियरिंग फाइनली कब शुरू होंगी, कब आपकी सुनवाई शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हियरिंग नहीं हो रही, पर मुझे लगता है 90% 95% केसेस में हियरिंग हो ही नहीं। तो आज की इस वीडियो के थ्रू दोस्तों इसी विषय पर एक सारगर्भित डिस्कशन लेकर के आपके समक्ष मैं हाजिर हुआ। सबसे पहले दोस्तों आपके समक्ष ये पॉइंट रखता हूं कि क्या कोई टाइम लिमिट सीआईटी अपील द्वारा अपील डिसाइड करने की इनकम टैक्स लॉ में दी भी गई है अथवा नहीं। इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेक्शन 250 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसका टाइटल है प्रोसीजर इन अपील। उसके सबसेक्शन 6 में दोस्तों ये कहा गया, इन एवरी अपील कमिश्नर अपील्स वेयर इट इज पॉसिबल मे हियर एंड डिसाइड सच अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच अपील इज फाइल्ड बिफोर इट अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 246 है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए उनके केस में 28 फरवरी 2020 को एक ऑर्डर हुआ था और उन्होंने मान लीजिए 13 मार्च 2020 को उस अपील पर सीआईटी अपील में अपील फाइल कर दी, तो सीआईटी अपील के पास में अपील की डिसाइड करने की डेट थी 31 मार्च 2021। ये एक डेट लॉ ने दी है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दोस्तों वहां लिखा है कि सीआईटी अपील में हियर एंड डिसाइड, यानी ये टाइमलाइन फॉलो करना सीआईटी अपील के लिए मैंडेटरी नहीं है। और यही मैंडेटरी नहीं होना दोस्तों बहुत से करदाताओं को तकलीफ दे रहा है कि उनकी अपील सीआईटी अपील लेवल पर अभी तक डिसाइड ही नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टाइम लिमिट मैंडेटरी कर दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी के टाइम लिमिट को फिक्स कर देना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी को सारे तथ्यों को कलेक्ट करना है, सारे लॉ को कलेक्ट करना है, फिर अपना निर्णय देना है। तो इसलिए वहां पर लॉ ने जो टाइम लिमिट तय करी है वो पार्लियामेंट की विजडम के हिसाब से एक मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं है, मैं इसे बोल सकता हूं एक डिस्क्रिशनरी या ऑब्लिगेटरी टाइम लिमिट है। तो ये एक टाइम लिमिट की बात मैंने यहां पर रखी। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अब ये कैसे तय हो कि ये प्रोसीडिंग जो सीआईटी अपील में अटकी हुई है वो फास्ट हो पाए, करदाताओं को रिलीफ मिल पाए। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर आप किसी को जस्टिस देने में देरी कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से सामने वाले व्यक्ति को न्याय से वंचित करने के समान है। और इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसे समझिए सर कि यदि किसी व्यक्ति पर 10 लाख की टैक्स डिमांड है और उसने वो डिमांड का सपोज 20% राशि दिया और सीआईटी अपील में उसका केस तय होने में 3 साल लग गए, जो कि 1 साल ही लगना चाहिए था, तो उसे 2 साल का अतिरिक्त ब्याज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो अगर यही अपील टाइमली तय हो जाती तो शायद उसको 2 साल का ब्याज तो बचता, अगर वो हार भी जाता तो। अब आपके सामने ये कैसे सुनिश्चित हो कि ये अपीलें फास्ट हो सकती हैं आने वाले समय में? एक नई अपीलेट अथॉरिटी का गठन किया गया या एक नया प्रोसीजर जो ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के रूप में आएगा वो आ रहा है दोस्तों फिनेंस एक्ट 2023 से, कि बजट 2023 में वित्त मंत्री महोदया ने घोषणा करी कि अब हम ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील नाम की एक अथॉरिटी लेकर के आएंगे। और इसके लिए जो पहले से सेक्शन 246 इनकम टैक्स लॉ में था उसको सब्स्टिट्यूट करके एक नया शेप दिया गया। पहले दोस्तों सेक्शन 246 में अपील होती थी डेप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील,
उसके बाद में उसके ऑर्डर पर एसएससी अगर संतुष्ट नहीं था तो सीआईटी अपील में जाता, फिर आईटीएटी, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में आप अपील में जाएंगे, पर यह बात नहीं है कि आप इस ऑर्डर से असंतुष्ट हैं तो आप फिर सीआईटी अपील में जाएंगे। अगर आप जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के ऑर्डर से असंतुष्ट होंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल सीधे आईटीएटी मिलेगा। यानी जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील नाम की अथॉरिटी क्यों बनाई जा रही है दोस्तों? ये अथॉरिटी बनाई जा रही है कि ये सीआईटी अपील का जो बर्डन है उन पर जो केसेस का भार है वो कम करेगी और करदाताओं के अपील्स को डिसाइड करेगी। तो ये एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील नाम का अथॉरिटी या पद। दोस्तों सरकार की मंशा को जानने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं कि आप किसी भी फाइनेंस बिल, जिससे कि बजट इंट्रोड्यूस होता है, उसके मेमोरेंडम में जाके पढ़ सकते हैं कि किसी प्रावधान को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। तो यहां जो ये सेक्शन 246 सब्स्टिट्यूट किया गया, इसकी मंशा आपको यहां बताता हूं कि गवर्नमेंट ने इस बात को कैसे लिखा है मेमोरेंडम में। एज पर द करंट स्कीम फॉर अपील अंडर द एक्ट, द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी फॉर एन एसएससी एग्री बाय एनी ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट इज कमिश्नर अपील। सच कमिश्नर अपील हैज द पावर टू कंफर्म, रिड्यूस, एनहांस, एनल, कैंसिल एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और एन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग टू द एसएससी एंड द एओ। द ऑर्डर पास बाय सीआरटी अपील आर अपीलेबल बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब गवर्नमेंट ने जी सीआरटी के लिए क्या बात करी? इट हैज बीन नोटेड दैट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी फॉर अपील्स दैट इज सीआरटी अपील आर करंटली ओवरबर्डन ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ अपील्स एंड द पेंडेंसी बीइंग कैरिड फॉरवर्ड एवरी ईयर। तो सरकार इस बात को मानती है कि सीआरटी अपील्स के पास में बहुत ओवरबर्डन है, बहुत सारी अपीलें हैं। इन ऑर्डर टू क्लियर दिस बॉटलनेक, अ न्यू अथॉरिटी ऑफ अपील इज बीइंग प्रपोज्ड टू बी क्रिएटेड एज ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर लेवल टू हैंडल सर्टेन क्लास ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड। अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड क्या होगी वो भारत सरकार आने वाले समय बताएगी। सपोज मान लेते हैं 10 लाख तक की डिमांड के मैटर को सीआईटी अपील की जगह ज्वाइंट कमिश्नर अपील या एडिशनल कमिश्नर अपील देख लें और उसके ऊपर की अपील सीआईटी अपील देखें। ये आने वाले टाइम में स्कीम से क्लियर होगा। सच अथॉरिटी शेल हैव ऑल द पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सिमिलर टू द कमिश्नर अपील विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील। तो ये एक रूपरेखा यहां पर अब आपको बनती दिखे। अब इसी मेमोरेंडम में दोस्तों आगे बात की गई इफेक्ट ऑफ सच न्यू अथॉरिटी ऑन एग्जिस्टिंग पेंडिंग केसेस के इस सेक्शन 246 में जिसे सब्स्टिट्यूट करके लाया जा रहा है, सबसेक्शन 2 में यह कहा गया है कि सबसेक्शन 2 ऑफ द प्रपोज सेक्शन सीक्स टू प्रोवाइड दैट वेयर एनी अपील फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इज बीइंग पेंडिंग बिफोर सीआरटी अपील बोर्ड एंड एन इनकम टैक्स अथॉरिटी सो ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन दिस रिगार्ड मे ट्रांसफर सच अपील एंड द मैटर इन्वॉल्विंग अराइजिंग आउट ऑफ और कनेक्टेड विद सच अपील एंड विच इज सो पेंडिंग टू द ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स हु मे प्रोसीड विद सच अपील एंड मैटर फ्रॉम द स्टेज एट इट वॉज before it was so transferred and this will enable the transfer of certain existing appeal filed before commissioner appeal to JCIT में। ये सरकार ने बताया कि ओके हम existing appeal को जो CIT appeal में है उन्हें joint commissioner of income tax appeal को भेजेंगे ताकि वो उन केस का decision कर पाए। और ये भी कहा गया further Subsection 3 of proposed section seeks to provide that notwithstanding anything contained in subsection 1 or 2, board or any income tax authority so authorized by the board in this regard may transfer an appeal which is pending before JCIT appeal and matter arising out of or connected with such appeal which is so pending to the CIT appeal. यानी वाइजी वर्दा भी हो सकता है कि अगर बाद में लगता है कि नहीं साहब ये तो हाई वैल्यू केस है तो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ अपील से कमिश्नर अपील में वो केस वापस से भेजा जा सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 4 इंसर्ट होगा 246 में सेक्शन में। सबसेक्शन 4 ऑफ द प्रपोज सेक्शन सीक्स टू प्रोवाइड दैट वेयर एन अपील इज ट्रांसफर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 और 3 ऑफ 246 द अपीलेंट शैल बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग। यानी जब भी आपका केस सीआरटी अपील से जेसीआरटी अपील में या जेसीआरटी अपील से सीआरटी अपील में जाएगा तो आपको सुनवाई का मौका प्रॉपरली दिया जाएगा, ये लॉ व्यवस्था करता है। और दोस्तों आपकी क्लैरिटी के लिए 246 ये जो सेक्शन सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसमें क्लियर बोला है कि फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन अपील बाय द जॉइंट कमिश्नर अपील द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अ स्कीम बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट सो एज टू डिस्पोज ऑफ अपील इन एन एक्सपीडियंट मैनर विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन द जॉइंट कमिश्नर अपील एंड द अपीलेंट
in the course of appellate proceeding to the extent technologically feasible and direct that any of the provisions of this Act relating to jurisdiction and procedure for disposal of appeal by joint commission of appeal shall not apply or shall apply with such exception, modification, adaptation as may be specified in the notification. यानी भारत सरकार CBDT आने वाले समय में एक स्कीम लेकर के आएगी, उस स्कीम से कि कैसे जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील फेसलेस मैनर में ये अपील सुनेंगे, वो व्यवस्था स्पष्ट रूप से, या कौन से केसेस JCRT अपील के पास में जाएंगे, क्या तरीके से वो उस फेसलेस अपील को गवर्न करेंगे, ये सारी बातें स्कीम के रूप में आने वाले समय में जल्द ही क्लियर करेगी। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ओके क्या JCRT अपील में अपील करने के लिए, इस स्टेज पर अपील करने के लिए अपीलेट फॉर्म कोई नया आएगा या प्रोसीजर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? तो मेरा यहां ऑब्जर्वेशन ये है कि दोस्तों सेक्शन 249, 250, 251 जो CRT अपील में अपील के लिए लागू होते हैं, इन तीनों सेक्शन में ही JCRT अपील टर्मिनोलॉजी इंसर्ट कर दी गई है। यानी आपको तो फॉर्म 35 में अपील फाइल करनी है असेसमेंट ऑर्डर के विरुद्ध, और जो भारत सरकार स्कीम लाएगी उससे तय होगा कि आपका केस JCRT अपील सुनेंगे या CRT अपील सुनेंगे, और वो नए केस के लिए भी बात हो सकती है और एग्जिस्टिंग केस भी JCRT अपील से CRT अपील में या CRT अपील से JCRT में ट्रांसफर होंगे, ताकि जब ज्यादा अथॉरिटीज अपीलों के मैटर्स देखेंगी तो ऐसी परिस्थिति में आपकी अपील का डिसीजन जल्दी होने की संभावना बढ़ेगी। फर्दर दोस्तों मैं हालांकि बात पहले बोल चुका, फिर और स्ट्रेस देके बोल रहा हूं, द ऑर्डर पास बाय JCRT अपील शेल बी अपीलेबल बिफोर ITAT। तो जो भी JCRT अपील ऑर्डर करेंगे, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आपको CRT अपील में नहीं जाना, आपको अगला फोरम सीधे ITAT ही मिलेगा अपील करने के लिए। अंत में दोस्तों मैं समझता हूं कि भारत सरकार को यानी CBDT को इस संदर्भ में इस स्कीम को यानी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील सुने और लोगों की करदाताओं की जहां भी अपील पेंडिंग है उनका जल्द से जल्द समाधान, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। मेरी शुभकामना तो यह है कि आपकी अपील आपके पक्ष में डिसाइड हो, लेकिन अगर नेगेटिव भी है तो हमें घबराना नहीं है, हमारे पास में नेक्स्ट लेवल ITAT का अवेलेबल होगा। तो इन द टाइम टू कम वी विल सी दैट यस द अपीलेट फंक्शन विच इज प्रेजेंटली पेंडिंग एट अ ह्यूज लेवल बिफोर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कम्स टू गेट अ सॉल्यूशन बाय वे ऑफ दिस काइंड ऑफ authority coming into place, that is Joint Commissioner of Income Tax Appeal. So at the end, I wish you all the best. Thank you very much for being with me. Wish you all the best. Jai Hind.